नमस्कार, जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा ले चलती हूं आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, शस्त्र पूजन के साथ मनाया विजयदशमी पर्व, अवाले में गिरने से शराबी की हुई मौत, ऑटो रिक्शा दुर्घटना में चालक व सवारी चोटिल, राजपूत समाज ने शस्त्र पूजन कर निभाई परंपरा, विजयादशमी पर हिंदू जन चेतना रैली आयोजित, जशवंतपुरा में 30 फीट रावण के पुतले का हुआ दहन, विधिक चेतना में विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार, बहनोई के हत्यारे ने दिन दहाड़े किया पुजारी पर हमला, निःशुल्क महिला कंप्यूटर कोर्स का हुआ उद्घाटन, जशवंतपुरा में पूरण दास जी महाराज की हुई भजन संध्या। अब समाचार विस्तार से। शस्त्र पूजन के साथ मनाया विजयादशमी पर्व। उजीर सिलावट और कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार चामुंडा माता मंदिर जालौर में हिंदू युवा संगठन संस्था के द्वारा शक्ति पूजन व शस्त्र पूजन किया गया। संस्था के नगर उपाध्यक्ष हेमंद्र सिंह ने बताया कि विजयादशमी पर्व पर अतिथियों द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम में माँ चामुंडा के प्रतिमा के समक्ष पुष्पहार चढ़ाकर महाआरती कर शस्त्रों की पूजा की गई। कार्यक्रम में चामुंडा माता मंदिर के महंत पवनपुरी महाराज का सानिध्य रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, मधुसूदन व्यास व सुरेश सोलंकी उपस्थित रहे। इसी तरह राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती सिखवाड़ा शनिवार विजयादशमी अघोरी रामचंद बापू धूणा सिखवाड़ा के सानिध्य में धूमधाम से शोभा यात्रा के साथ मनाई गई। इस दौरान महाकाली नवयुवक मंडल की ओर से विजयादशमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम व डीजे पर नाचते गाचते मंडल के कार्यकर्ताओं व ग्रामवासियों द्वारा मनाया गया। अध्यक्ष ओबाराम चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर राम लक्ष्मण हनुमान सीता की झांकी महाकाली मंदिर से होते हुए चौराहे से लेकर बस स्टैंड होते हुए झांकियाँ निकाली गई। इस अवसर पर भोपा जी, हरजी, शंभुपुरी जी, भेड़ाराम चौधरी, अर्जुन कुमार सरगरा, उदाराम समस्त मंडल कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। हवाले में गिरने से शराबी की हुई मौत। जसराज पुच्छल की जानकारी के अनुसार आहोर थाना क्षेत्र के गुड़ा बालोतान गांव में एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में पानी के हवाले में गिरने से मौत हो गई। आहोर थाना अधिकारी नाधु सिंह ने बताया कि कुयाराम हीरागढ़ निवासी गुड़ा बालोतान शराब के नशे में पानी पीने के लिए टंकी के पास बने अवाले में गया तो इस दौरान उसका पैर फिसलने से वह उसमें गिर गया। गिरने के बाद नशे की हालत के कारण बाहर नहीं निकल पाने से अवाले में ही पड़ा रहने से मौत हो गई। जानकारी पर ग्रामीण मौके पर जमा हुए और पुलिस को सूचित किया गया। इस पर पुलिस द्वारा मौके पर मुआयना कर जाँच प्रारंभ कर दी गई। ऑटो रिक्शा दुर्घटना में चालक व सवारी चोटिल। ध्यानचंद ददालिया सियाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार सियाड़ा के जालौर मुख्य मार्ग पर बिरोली मामाजी मंदिर के पास आज दोपहर को एक ऑटो रिक्शा आठवाड़ा से सियाड़ा आ रहा था, तभी अचानक उसका आगे का सो कप टूटने के कारण पूरा रिक्शा पलट गया, जिसमें डॉक्टर गोपाराम प्रजापत व एक बुजुर्ग व्यक्ति को मामूली चोटें आईं, जिसको लोगों की सहायता से सियाड़ा हॉस्पिटल लाया गया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। राजपूत समाज ने शस्त्र पूजन कर निभाई परंपरा। भिनमाल से महेंद्र पाल सिंह देवल की रिपोर्ट के अनुसार असत्य पर सत्य की विजय के पर्व विजयादशमी के अवसर पर क्षत्रिय राजपूत समाज ने वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई। इस मौके पर राजपूत समाज ने अस्त्र शस्त्र ढाल तलवार आदि का पूजन किया। सर्वप्रथम राजपूत समाज के गंगा सिंह सांपड़ी ने मां दुर्गा की विशाल तस्वीर के समक्ष पूजन अर्चन कर शस्त्रों का पूजन किया। इस दौरान पर्वत सिंह, हरिओम सिंह मेड़तिया, वीरेंद्र सिंह चंपावत, महेंद्र सिंह सोलंकी, कुलदीप सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। विजयादशमी पर हिंदू जन चेतना रैली आयोजित। बड़गांव से विक्रम लखारा की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के सूरजकुंड भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुक्रवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर हिंदू जन चेतना रैली का आयोजन हुआ। हिंदू जन चेतना रैली का जत्था वक्तापुरा होते हुए रामपुरा, रोड़ा, सूरजवाड़ा, डूंगरी, अदेपुरा, अजोदर, जोडवास, जाखड़ी, धनोल, धामसिंह, चैतपुरा होते हुए वापस
बड़गांव सूरजकुंड भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा, जहां मंदिर परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। रैली में 100 मोटरसाइकिलों का जत्था देखा गया, जिनका जगह जगह स्वागत हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्रवण सिंह पावन सानिध्य मठाधीश श्री लहर भारती जी महाराज, संजय बोड़ा, नरपत पुरोहित, नारायण सिंह देवल रानीवाड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य उपस्थित थे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जलंधर नाथ उच्च प्राथमिक पब्लिक स्कूल आकुली, जिला जालौर के विद्यालय स्टाफ श्रवण कुमार, मदन सुता, कमलेश कुमार, घटी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी सहित विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों की ओर से नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अध्यापन के साथ गाँवों के मध्य स्थित हमारा विद्यालय भवन समुचित व्यवस्था से परिपूर्ण है। निर्देशक प्रवीण कुमार, मोबाइल नंबर 9783143472। संस्था प्रधान महिपाल कुमार, मोबाइल नंबर 9950610327। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जसवंतपुरा में 30 फीट रावण के पुतले का हुआ दहन। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का पर्व क्षेत्र भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अंबिका गर्भा मंडल की ओर से सिरोही रोड पर स्थित वाड़ी नदी में 30 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन शाम 6:30 बजे किया गया। कार्यक्रम को लेकर गर्भा चौक से राम, लक्ष्मण, हनुमान एवं सीता की झांकी निकाली गई, जो मुख्य बाजार बस स्टैंड से होते हुए बाड़ी नदी में रावण दहन स्थल पर पहुंची। इस मौके पर आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया गया।
इसके बाद राम लक्ष्मण और सीता की आरती कर जुलूस के रूप में गरभा चौक तक पहुंचे। इस दौरान थानाधिकारी पवाराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा चिकित्सा विभाग की टीम मुस्तैद नजर आई। रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे। विधिक चेतना में विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के अध्यक्ष आरपी सोनी व सचिव नरेंद्र सिंह के आदेशानुसार आज आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वलदरा आहोर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आयोजना 2015 पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर रमेश कुमार वेदाना ने बताया कि भारत की जनसंख्या का लगभग 46% बच्चे हैं जो नाजुक उम्र और जीवन के फेरों से अनुभवहीन होने के कारण वे सर्वाधिक चपेट में आने वाले समूह हैं। इस कारण से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में बच्चों को निःशुल्क कानूनी अधिकारों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें विभिन्न बाल अधिकारों व शोषण के प्रति नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रवीण जी व पैरालीगल वॉलंटियर पुष्पा धनराज उम्मेदपुर, वरिष्ठ अध्यापक हेम सिंह, प्रकाश शैलेंद्र सोहन, इंद्र सिंह, तिकमाराम, अशलाराम विद्यालय स्टाफ छात्र छात्राएं मौजूद थे। बहनोई के हत्यारे ने दिन दहाड़े किया पुजारी पर हमला। ध्यानचंद अदालिया की रिपोर्ट के अनुसार सियाणा के पास सिमना गांव में 4 दिन पूर्व अपने ही बहनोई की हत्या के मामले में फरार चल रहे सिमना निवासी मान सिंह ने शुक्रवार की शाम को करीबन 6 बजे के आसपास सियाणा के बस स्टैंड पर चाकू लेकर सियाणा बस स्टैंड पर स्थित ब्रह्मा जी मंदिर के पुजारी देवेंद्र पुत्र मनसा जी रावल पर प्राणघातक हमला कर दिया। इस आरोपी ने 3 दिन पूर्व ही अपने घर पर सिमना गांव में अपने ही सगे बहनोई सिरोही के बावली गांव के निवासी वरद सिंह पुत्र जीव सिंह राजपूत की हत्या कर दी तथा उसके गुप्तांग काट दिए थे तथा 4 दिन तक यह हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। आज शाम को अचानक सियाणा के बस स्टैंड स्थित ब्रह्मा जी मंदिर में चाकू लेकर मंदिर में प्रवेश कर मंदिर के पुजारी देवेंद्र रावल को जान से मारने की साजिश से हमला कर दिया। हमला करने के बाद भी आरोपी मान सिंह वहीं पर डटा रहा और इधर उधर सियाणा में उसी समय दशहरे की शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसके कारण मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात होने के कारण लोगों की सहायता से पुलिस ने आरोपी मान सिंह को हाथों हाथ धर दबोचा। इधर घायल पुजारी को देवेंद्र रावल को सियाणा हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर उनका प्राथमिक उपचार हुआ। इसके बाद पुजारी ज्यादा घायल होने के कारण यहां से आगे सिरोही के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके कारण बागरा थाना प्रभारी पदमपाल सिंह स्वयं अपने पुलिस जाब्ते के साथ पुजारी को लेकर सिरोही हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण सिरोही से पालनपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर घायल पुजारी देवेंद्र का इलाज चल रहा है। इधर यह ब्रह्मा जी का मंदिर राजपुरोहित समाज का होने के कारण अपने मंदिर के पुजारी पर हमला होने से पूरी समाज में भारी रोष व्याप्त है। करीबन 7 बजे वर्मा जी मंदिर में पुजारी देवेंद्र जी रावल और अचानक मग सिंह राजपूत निवासी सोना ने हमला कर दिया। उनके चाकू से 4-5 जगह घाव किए, लोगों ने महाराज हल्ला करके बाहर भक्के आ गए। लोगों ने बीच बचाव करके महाराज को बचाया व मग सिंह को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सुपर्द इलाज के लिए सिरोही रेफर किया था और सिरोही से अब पालनपुर ले जा रहे हैं। उनके इलाज के लिए स्थानीय थानेदार पद्मपाल सिंह को साथ भेजा गया है। उनको अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे और उनके जीवन की सुरक्षा करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिन्होंने इस अपराधी को पिछले 2 दिन से शरण दी है या जिसने सहयोग किया है, अगर लिप्त पाए गए तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। निःशुल्क महिला कंप्यूटर कोर्स का हुआ उद्घाटन। बालवाड़ा से मनोहर सिंह परमार की रिपोर्ट के अनुसार विशनगढ़ स्थित जगदीश ई मित्र एंड एजुकेशन एवं जालौर इन्फो सिस्टम के तत्वाधान में वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महिलाओं हेतु निःशुल्क RSCIT कोर्स का शुभारंभ विशनगढ़ सरपंच की अध्यक्षता में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईश्वर लाल शर्मा,
सेवानिवृत्त कोषाध्यक्ष एवं ललित कुमार दवे सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं जोगेंद्र सिंह जिला समन्वयक RKCL थे। इस अवसर पर नंद किशोर, जगदीश, गिरधारी लाल, राजेश, विक्रम, नटवर, चिराग, हेमंत, चंद्रशेखर व्यास समेत सहित काफी संख्या में बालक बालिकाएं एवं ग्रामीण मौजूद थे। अनंतपुर में पूरणदास जी महाराज की हुई भजन संध्या। श्रवण सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार एक शाम श्री पूरणदास जी महाराज के नाम भजन संध्या खासी समाज पूर्णेश्वर नव युवक मंडल अनंतपुरा द्वारा भजन कार्यक्रम व भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक हेमराज गोयल एंड पार्टी द्वारा भजन की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान पूर्णेश्वर नव युवक मंडल व सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।